हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में अगर देखा जाए तो आते जाते हर पल हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन गई है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है हमारी ज़रूरत ही हमारे अंत का कारण बन रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि हम ये क्या दिखा रहे हैं, पर क्या आपको पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे परिवेश के लिए। परिवेश क्या है? परिवेश हमारे समाज में जो सुंदर और स्वच्छ माहौल को देखते हैं हम उन्हें ही परिवेश कहते हैं। लेकिन क्या हम लोग अपने उस परिवेश को देख पा रहे हैं? नहीं तो क्यों नहीं? कारण हम लोगों के इन छोटे छोटे भूल के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, इस बक्से में थोड़ा सा मिट्टी डालकर हम लोग एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। मिट्टी के बीच में वो काला चीज़ दिखाई दे रहा है, वो एक प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक जब हम मिट्टी के अंदर चला जाता है तो मिट्टी का ऊपरी भाग में पानी तो जाता है लेकिन मिट्टी का अंदर तक पानी नहीं जा पाता है क्योंकि बीच में ही प्लास्टिक रहता है। उसके बाद देखिए एक छोटा जड़ दिखाई दे रहा है प्लास्टिक की वजह से, जिसका बढ़ना रुक गया है। अब आप लोग सोचिए एक प्लास्टिक हम लोगों का परिवेश को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। प्लास्टिक हम लोगों द्वारा बनाया गया एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे पूरे परिवेश को प्रदूषित करता है। जैसे कि प्लास्टिक इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं तो वो नालों में जाकर जाम कर देते हैं, जिससे कि पानी जम जाता है जो कि अपना परिवेश और लोगों के लिए खतरा हो सकता है। जैसे कि लोगों में डायरिया, चर्म रोग, जॉइंटिस और भी कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद न करें तो हम अपने पूरे पृथ्वी को इसी अवस्था में देख पाएंगे और ये एक बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। तो हम लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करके कागज़ या जूट का बैग इस्तेमाल करना चाहिए और प्लास्टिक को अपने समाज से दूर करके अपने समाज को सुंदर और स्वच्छ समाज बनाना चाहिए। आप जो पॉलिथीन में बांध के कचरा यहाँ पे फेंकी हैं, इससे पता है कि हम लोगों को या फिर हमारा परिवेश में कितना इससे हानि पहुँच रहा है? की हवे किछु ही हवे ना। आप जो प्लास्टिक में अगर कचरा को नहीं फेंक कर अगर आप मिट्टी में खाली फेंकती क्या वो सही होता? की भलो हवे।
प्लास्टिक ना ही सड़ती है ना ही गलती है। हम लोग प्लास्टिक में कचरे को डालकर फेंकते हैं, जिसके कारण कचरा तो सड़ जाता है पर प्लास्टिक नहीं, जिससे हमारी मिट्टी की रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाती है, जिससे पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायता नहीं मिल पाती। अगर हम लोग कचरे को मिट्टी में फेंके, जो मिट्टी में मिलकर हमारे पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायता पहुंचाती है, और अगर हम लोग प्लास्टिक को डस्टबिन में डालें और कचरे को मिट्टी में फेंके, इससे हमारा परिवेश साफ और सुंदर दिखेगा।